जम्मू कश्मीर के रजौरी में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया हुआ है। जिले के कई इलाकों में सेना और पुलिस की संयुक्त टीमें अभियान चला रही हैं। कई इलाकों की घेराबंदी भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ इनपुट मिले हैं जिसके आधार पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 11 ग्रेनेड, पिस्टल की 14 मैगजीन, 2 चीन निर्मित पिस्टल, चीन निर्मित एक ग्रेनेड और AK-47 की 920 कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरनाथ यात्रा 2020 के लिए छड़ी मुबारक का आज आगाज होगा। पहलगाम में नवग्रह भूमि पूजन और ध्वजारोहण की रस्म अदा की जाएगी। इसके साथ ही 20 जुलाई को छड़ी मुबारक पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेगी। दूरदर्शन की 15 सदस्यीय टीम प्रशासन के सिलसिले में शुक्रवार को पवित्र गुफा पहुंच गई है। 5 जुलाई ब्यास पूर्णिमा से 3 अगस्त रक्षाबंधन तक सुबह शाम दोनों वक्त की आरती का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण होगा। हालांकि यात्रा 21 जुलाई से प्रस्तावित है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया है। बता दें कि सुरक्षा बलों को कुलगाम के आरे इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान खुद को घिरा दे आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया है। कोरोना महामारी के बीच निर्माण परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों का टोटा हो गया है। जम्मू कश्मीर से करीब 70% कुशल श्रमिक बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों में घरों को लौट चुके हैं। ऐसे में जम्मू में बड़ी विकास परियोजनाओं की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। जम्मू में नेशनल हाईवे की रिंग रोड परियोजना, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे चौड़ीकरण परियोजना, जम्मू बस स्टैंड मल्टी लेवल कार पार्किंग प्रोजेक्ट, सांबा के विजयपुर में एम्स, जम्मू अखनूर सड़क चौड़ीकरण आदि परियोजनाएं वर्तमान में खासी प्रभावित हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत की ओर और कदम बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चैलेंज की सूचना ट्वीट करके दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन की साझेदारी के तहत नीति आयोग ने डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज शुरू किया है, जिसके तहत आपको मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया और फोटो वीडियो एडिटिंग ऐप बनाना होगा। इस चैलेंज के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। इस चैलेंज का मंत्र है मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ICMR का दावा है कि 15 अगस्त तक COVID-19 का स्वदेशी टीका जनता के लिए उपलब्ध होगा। इसके लिए ICMR ने चुनिंदा अस्पतालों से कहा है कि वो भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित किए जा रहे संभावित टीके कोवैक्सीन को परीक्षण के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज करें। ICMR ने शनिवार को इस पर एक बयान जारी कर कहा कि हमारी प्रक्रिया विश्व स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के अनुसार कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए तेजी से टीका विकसित करने के लिए है, जिसका मानव और पशुओं पर समान रूप से परीक्षण किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को लेह के दौरे के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे हैं। पार्टी की तरफ से सांसद कपिल सिब्बल ने बयान सवालों की एक लिस्ट भेजी है, जिसमें कहा गया है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। क्या प्रधानमंत्री देश को जवाब देंगे? क्या वास्तविक व ताजा चित्र पेंगोंग तियो लेक एरिया में फिंगर फोर रिंग तक हमारी सरजमीन पर चीनी कब्जे की सच्चाई बयान नहीं करते? क्या ये भारत का ही भूभाग है जिस पर चीनियों द्वारा अतिक्रमण कर रडार, हेलीपैड और दूसरी संरचनाएं खड़ी कर दी गई हैं?
जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल आज जिला डोडा के दौरे पर पहुंची। उनके वहां पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं उसके तुरंत बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा कर जजेस के कोर्ट रूम्स का निरीक्षण कर बाद में दोनों स्थानों पर डोडा और भद्रवाह में वकीलों के साथ विचार विमर्श कर आ रही परेशानियों की जानकारी हासिल की। डोडा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ साफ सफाई के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं लॉयर्स चैम्बर्स बिल्डिंग का कार्य जल्द से जल्द मुकम्मल करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना के 227 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर 68 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटों में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कल सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बारामूला रहा, जहां कोरोना के 57 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो कल यहां 30 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 197 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 8,246 हो गया है।